हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर 4 ऑन वेलोसिटी एनालिसिस। पिछले 3 लेक्चर में हमने आई सेंटर मेथड को डिटेल में पढ़ा था, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर गेट में आए हुए क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैसे वेलोसिटी को निकालेंगे मैकेनिज्म्स की इस मेथड से उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले पढ़ते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पर, क्योंकि वो मैकेनिक्स के अंदर आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ मैं वेक्टर्स का। देखो, वेक्टर एक ऐसे इस तरह से शो होता है जो कि लेंथ बताता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी ये डायरेक्शन बताता है एरो है। अगर ये इधर होगा, कुछ एंगल पे होगा, तो उसकी कुछ और डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में होगा एरो तो कुछ और डायरेक्शन होगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये तो बताता है वेक्टर। लेकिन हमारा हमारा जो मेन मोटिव है, हम वेक्टर पढ़ना नहीं है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ना है बाय द यूज ऑफ वेक्टर। अब देखिए, जैसे कभी आपको यहाँ पर ऐसे लिखा मिले वी बी ए, इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये तो सबको पता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। लेकिन इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैसे? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए का मतलब ए से हम देख रहे हैं, ठीक है, बी की वेलोसिटी। ठीक है, देखो कैसे, कोई भी ये लिंक है, ये ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। हम यहां पर से इसको देख रहे हैं बी की वेलोसिटी, तो वो कितनी वेलोसिटी दिखेगी? वो दिखेगी हमें, अगर ये इधर की साइड मान लेते हैं मूव कर रहा है या इधर की साइड, तो इसकी वेलोसिटी जो हमेशा इसके ए बी लिंक के परपेंडिकुलर दिखेगी, जो कि होगी वी बी ए, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो। ये तो है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, कैसे वेलोसिटी दिखती है हमें। ए से देख रहे हैं बी की वेलोसिटी, ए भी कुछ मूव कर रहा है, लेकिन हम बी की वेलोसिटी कहां से देख रहे हैं? ए से। तो इसकी ये पूरी ये जो वैल्यू है, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और हमेशा क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी ए के, ये जो वेलोसिटी होगी हमेशा इस लिंक के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, या कह सकते हैं ए के क्या होगी? परपेंडिकुलर टू ए। थ्योरी बस अगर हम क्वेश्चन करें ना, अभी मेन थ्योरी तो इसकी इतनी है कि ये लिंक के परपेंडिकुलर होगी, और वी बी ए को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए, ये तो इसकी मेन बात है। थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ लें कि कैसे इसको शो करेंगे यहां पर। जैसे कि कभी आपको ऐसे दिखे यहां पर, जैसे हम ऐसे यूज करेंगे, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इस तरह से इसको लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा होगा, देखो ये सब नोटेशंस आपको आनी चाहिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना, इसलिए मैं आज इसमें बेसिक पढ़ा रहा हूँ। वेलोसिटी अगर ये इस तरह से, अगर ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, ओ के रिलेटिव देख रहे हैं, ठीक है। और चलो इसको, इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं अभी हम। जैसे कि ये वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी है, या कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ठीक है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, इसको ऐसे बोलेंगे। और अगर हम बात करें, अब इससे हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ, इन दोनों का यूज करते हुए, वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिलेटिव टू ओ निकालनी है हमने, रिलेटिव टू ओ। देखो इसको, बात को समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से समझो इस चीज को, कि वेलोसिटी ऑफ ओ, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ वो क्या है? इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो इस डायरेक्शन में है, तो हमें इसने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ओ निकाल दो,
देखो इसका इसी का यूज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, इसी कंसेप्ट का। वो देखो क्या होगी, देखो ये क्या कहां से आएगा, हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन मेथड से, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ओ क्या होगी, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, ये है हमारा वेक्टर एडिशन मेथड, ठीक है। मैकेनिक्स में हम पढ़ते ही आए हैं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर और डिटेल में बताऊंगा कैसे हुआ है और कैसे डायग्राम से भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये। अभी हम देखो इसको यहां पर बताएंगे, अभी इसको डायग्राम में देखो कैसे कैसे ये चीज आई। ये पॉइंट है ओ मान लेते हैं फिक्स, और ये हमने जिससे शो करा वो क्या है, वी ए ओ है, ठीक है। इसी को ही, इसी के एरो से हमें क्या ऐड कराना है, इसकी टेल मिलानी है ए बी की, ठीक है, क्योंकि वो ये पॉइंट क्या है, ए है, तो इसी से ऐड होगा ये पॉइंट क्या है, बी है। तो जब हम इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर देंगे, ये जो ओ से ज्वाइन कर देंगे, ये जो वैल्यू आई हमारी, ये जो वैल्यू आई ये क्या आएगी, वी बी ओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम ओ, ठीक है। और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव फ्रॉम ए, तो ये जो वेलोसिटी आई ये क्या आई है, फ्रॉम वेक्टर एडिशन मेथड। कुछ नहीं करना आपने, यहां से ये पहले ज्वाइन करा और इसी के हेड से आपने इसकी टेल मिलानी है अगले वाले की, वो आपने मिला दी। इसको किससे डिनोट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ओ। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये सब चीज देखो बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आती भी होगी नो डाउट, लेकिन हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा कहा गया है कि कहते हैं सबकी बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसको हम इसीलिए बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें तो लिंक्स के बारे में पता करना है, उसकी वेलोसिटीज के बारे में पता करना है, हमें तो वो कंसेप्ट पढ़ना है अच्छे से, तो उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, एक ये रिजिड लिंक है, अगर ये रिजिड लिंक है ए बी, तो हमेशा आपको याद रखना है, अगर इस पॉइंट की आप वेलोसिटी देख रहे हैं फ्रॉम ए, तो वो हमेशा ए के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू ए। ये चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार आया, अगले लेक्चर में हम करेंगे भी, इस रिजिड लिंक के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ते हैं, जैसे कि अभी परपेंडिकुलर वाली चीज ही पढ़ते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है ओ, और ये कोई लिंक है हमारा, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है मान लेते हैं, और ये इसका रेडियस कितना है आर, यहां से यहां तक मान लेते हैं ये रेडियस कितना है, या लेंथ है जितनी कितनी है, ये आर है। तो जो ये वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ होगी, वो हमेशा क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा आर इंटू ओमेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें अगर इसको डायग्राम से बनाएं, कैसे बनाएंगे, फिक्स पॉइंट को हमेशा इससे जो हमने दिखाना है ओ, स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट से करनी है, और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या करी है कि लाइन खींच दी, ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया, ए आ गया। अभी देखो मान लेते हैं हमें ना इस सी पॉइंट की यहां पर वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है, तो वो भी तो इसी के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी ये मान लेते हैं बी होगी, मान लेते हैं ये लेंथ कितनी होगी, बी। तो वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू अगर हम ओ देखेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, लेंथ बी इंटू ओमेगा, और बी तो देखो हमेशा कम है आर से,
बी देखो कम है आर से, तो ये वेलोसिटी जो होगी एओ वो ज्यादा होगी सीओ से। तो जो हम इस एरो हेड में दिखाएंगे, जैसे मैंने बताया था मैग्नीट्यूड देखो अब इसका कम आ गया ना सीओ का, तो इसकी भी जो यहां पर ये पॉइंट आएगा सी, इसलिए यहां पर आएगा ठीक है, क्योंकि हमने ये जो इसका मैग्नीट्यूड है सीओ का वो क्या है कम है देख लो, तो इसीलिए ये पॉइंट क्या आएगा सी आएगा। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और यही यूज होंगे और इसी में लोगों को डर लगता है, इसीलिए मैं आज इसके पूरा अच्छे से क्लियर कराऊंगा आपको ये सब चीजें ठीक है। अभी हम फोर लिंक मैकेनिज्म्स को भी पढ़ते हैं, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे उसमें दिक्कत आती है, और प्रॉब्लम इसमें कि उसमें वेलोसिटी नहीं निकलती है एग्जाम्स में, रिलेटिव वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से फिर भी लोगों को आसान लगता है लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी पता नहीं क्यों मुश्किल। चलो उसको ट्राई करते हैं उसको भी करने की ताकि आपको दिक्कत ना आए। फोर बार मैकेनिज्म्स को देखते हैं, जो फोर लिंक मैकेनिज्म है उसके में कैसे वेलोसिटीज निकलती है, कैसे यूज होगा उसका, चलो देखते हैं इसको भी। जैसे कि हम इस पॉइंट को ए मान लें, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और इसको मान लेते हैं डी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है डी है, ये फिक्स पॉइंट है ए और डी। देखो उसको मैं बनाना भी बताऊंगा कि कैसे फिक्स पॉइंट्स का यूज करना है। अब देखो कई बार आपसे पता क्या पूछेगा, वो आपसे वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सी की पूछेगा वो क्वेश्चन में। देखो वही हमने कौन सा यूज करना है, वेक्टर एडिशन, जो जस्ट पहले मैंने अभी बेसिक में आपको बताया था ठीक है। ये जो ए बी सी डी हमारा फोर लिंक मैकेनिज्म है, अच्छा इसमें ये जो है ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ए डी हमारा फिक्स लिंक है, बी सी क्या है हमारा कपलर है ठीक है, और ए बी क्या है क्रैंक है जो कि ओमेगा स्पीड से मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ठीक है। और ठीक है तो हमें क्या निकालना है, ये जनरली क्या पूछता है कि वेलोसिटी सी की वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव या कहते हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी सी की निकालो, वी सी निकालो, ऐसे कई बार क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो हमेशा ये फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालनी है, तो क्या निकालना है हमें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो किसके वेक्टर एडिशन कर देंगे हम इसका, कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही तो है वेक्टर एडिशन। एक बार में सॉल्व, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट सेक्शन में बताना। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्लियर। अच्छा अगर इसी को थोड़ा सा और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, यही जो वेलोसिटी अब हम जो निकाल रहे हैं सी के अबाउट, अब इसमें एक और चीज बहुत ध्यान देने की है कि जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट की, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या होगी, जीरो होगी। क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट रिलेटिव टू फिक्स्ड पॉइंट वो क्या होगी, जीरो। ये चीज ध्यान देने की है, रिलेटिव टू मतलब इसको ऐसे देखते हैं कि अगर फिक्स्ड लिंक के अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी टू एनी अदर एनी पॉइंट ऑन अ फिक्स्ड लिंक, फिक्स लिंक पे वो वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये चीज याद रखने की है ठीक है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें डायग्राम, या इसको एक और चीज से देख सकते हैं, वेलोसिटी इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू डी, क्योंकि एक ही बात है ए लिखें या डी लिखें एक ही बात है ठीक है, क्योंकि ये तो एक फिक्स लिंक है, ये क्या है एक फिक्स लिंक है, तो आप ए के अबाउट लिखें या डी के अबाउट लिखें बात एक ही, यही चीज बता रहा था मैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, चाहे इसको इधर लिख दो चाहे इधर, एक ही बात है ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, ये जो इतनी बताया मैंने कि वेलोसिटी ऑफ ए जो सी ए के अबाउट निकाली वही हम डी के अबाउट भी निकाल सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे डायग्राम, कैसे इसका डायग्राम बनेगा यही बना देते हैं ताकि समझ आए आपको। देखो डायग्राम समझने से आपको ये चीज क्लियर भी होगी कि कैसे इसमें स्टार्ट होगा, पहले फिक्स पॉइंट बना लो, जैसे मैंने अभी बताया था ए और डी फिक्स पॉइंट है हमारे
ए और डी क्या है, हमारे फिक्स पॉइंट है। सबसे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वो देखो क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो वो हमेशा इस लिंक के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो वो आपने क्या करना है, इस लिंक के क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। तो यानी कि यहां से भी आपने जो भी एंगल आएगा, ठीक है, वो इस परपेंडिकुलर बना देना है। और वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इंटू ए बी, ओमेगा इंटू ए बी, ये बना दिया आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम सी। अब वो क्या होगी, हमेशा इस बीसी लिंक के परपेंडिकुलर होगी, बीसी लिंक के परपेंडिकुलर होगी। बीसी लिंक के परपेंडिकुलर क्या है, और हाँ इसमें एक और चीज समझने की है, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू डी क्या होगी, वो क्या होगी, सी डी के परपेंडिकुलर होगी। सी डी के परपेंडिकुलर क्या है, ये सी डी है, ठीक है, सी डी के परपेंडिकुलर ये डी पॉइंट है, तो इसके परपेंडिकुलर आप खींच देंगे लाइन। तो ये क्या आएगा, सी पॉइंट आएगा, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है, अभी एक और वेलोसिटी रहेगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी, ये पॉइंट क्या आएगा, बी आएगा। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी, क्लियर है। तो यहां से इस तरह से डायग्राम बना के हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो देखो डायग्राम बनाना, आप क्वेश्चन ऐसे गेट में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है, और वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सब चीजों की आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। बहुत बार गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कि किस तरह का डायग्राम यूज करके, लेकिन उसको नापना या ज्योमेट्री से बनाना उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इसका डायग्राम का यूज करना है हमें, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है वेलोसिटी एनालिसिस से, ओके। तो इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं इसमें लास्ट, जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का डायग्राम कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारी क्रैंक है, और ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वो कैसे करेगा मूव, ऐसे करेगा। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट जी मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, ये किससे कर रहा है मूव, ओमेगा से, क्लियर। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, या हमें अगर पहले निकालना क्या है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी, हमें वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ, जैसे अभी हमने बताया वेलोसिटी ऑफ, देखो अभी यूज होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट आपको निकालना, तो वो क्या होगी, अगर वेक्टर एडिशन से, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसको हमने वेक्टर से शो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यही जैसे मैंने बताया था आपको कि ये हमने ओ के अबाउट लिखा बी की वेलोसिटी, यही हम किसके अबाउट लिख सकते हैं, जी के अबाउट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जी बी क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर अच्छा, अब इसका डायग्राम बनाए, तो पहले तो फिक्स पॉइंट जैसे मैंने बताया, ठीक है, सबसे पहले फिक्स पॉइंट बनाया, और हमने परपेंडिकुलर सबसे पहले ए बी के लाइन खींची, क्योंकि ओमेगा इनटू ये जितना ओ ए लेंथ दी होगी आपको क्रैंक की, तो उसको हम क्या निकाल देंगे, हम वी, और इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ये जो लेंथ आएगी ये वेलोसिटी ऑफ क्या आएगी, क्रैंक आएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जी से या ए से, ये एक ही बात है, जी से बात करेंगे हम यहां से, ठीक है। जी से क्या करना है, हमने एक पैरेलल लाइन खींचनी है, क्यों खींचनी है,
क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर तो यही रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर तो क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जी से इसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये हमने ऐसे एक लाइन खींच दी पेन। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो पॉइंट आएगा अब यहां से किससे, ए बी लिंक से, क्या करना है ए बी लिंक से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी से क्या होगा, यहां से आप खींच देंगे, ये आपने देखो ए बी लिंक से आपने इसमें परपेंडिकुलर खींच दिया। तो परपेंडिकुलर खींचने से क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी आएगी आपकी, अब ये तो हमारी आ गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, यानी कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, एक स्लाइडर है, बी क्या है, स्लाइडर है, स्लाइडर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जी वो ये आएगी। ठीक है, तो यहां से ये जो हमने ये पैरेलल लाइन खींचने से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है ये लाइन ही ऐसे आएगी, चाहे आप पहले ये खींची फिर आप बी ए भी बना सकते हैं परपेंडिकुलर इसके, और फिर ओ से आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट, जैसे मान लेते हैं बी पॉइंट पे, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल बना हमारा, ये वेलोसिटी डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर। तो यहां से हम अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नाप लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले आपने ओ ये वाली वेलोसिटी बनाई, फिर आप इसको भी बना सकते हैं, कहां से बनेगी, और वो ए से बनेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपने एक लाइन खींची, और फिर हमने ये वाली लाइन क्यों खींची, ये किस लाइन के अबाउट है, क्योंकि ये जो स्लाइडर का मोशन है पैरेलल है, पैरेलल फ्रॉम ओ या जी से पैरेलल, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करा ये पॉइंट बी आ गया हमारा, और ये वाली वेलोसिटीज अलग अलग वेलोसिटीज हमने निकाल दी यहां से। तो इस तरह से आप कोई भी वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से निकाल सकते हैं। ये तो था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, जैसे मैंने बताया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है, हम ए से देख रहे हैं बी की वेलोसिटी, उसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव किसी चीज के रिलेटिव देखना, उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ये तो बात रही रिलेटिव वेलोसिटी की, लेकिन मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि वेलोसिटीज कैसे निकलेंगी इस रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का यूज करके, ये जो है ना ये कंसेप्ट, ये वाला यही है इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसके गेट में आए हुए 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो भी रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। ठीक है, सो दैट कि आपको लगेगा कि यार ये जो हमने पढ़ा है मेनली, देखो अब ये डायग्राम बनाना तो गेट में नहीं आ सकता, ईएस प्री में नहीं आ सकता, हाँ मेंस के पेपर में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद।